ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी सोच भी है सर की है, क्योंकि ये कैसा है कि जो सीनियर सिटीज़न होते हैं और मतलब अपने पुलिस, मुंबई पुलिस के खास तौर के, इन लोग इतनी अपनी सर्विस दे देते हैं, और इनको जब इनका मतलब एक एज होती है, वो एज के हिसाब से इन लोगों को एकदम ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि ये बराबर से वॉक नहीं हो, मतलब वॉकिंग नहीं हो पाती इनकी, या स्पीड नहीं हो पाती, और इनको आराम देना ज़रूरी है मतलब। और ये चीज़ कैसा गर्म है, एक साधारण आदमी जो बेचारा पानी के लिए वो जाता है, ये तो पूरे पूरे दिन ड्यूटी करते, इन लोगों के लिए तो सोचना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा सोच है ये सर का, आपको अच्छा लगता है ये काम जो बहुत सीनियर कर बहुत रहे बहुत हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। आप मुंबईकर खुश हैं इस बात से? 100%, 100%। देखो BMC और पुलिस का जब अच्छा काम होगा तो एक आम नागरिक भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब पुलिस और BMC अच्छा काम करेगी और इतने अच्छे साफ गाइडलाइन देंगे उनको ये सब करने के लिए, तो सब आवाम भी खुश रहेगी उससे। वो कम होते जाती है और वो धूप में खड़े रह के दिन भर, और पॉल्यूशन ऐसा मुंबई शहर के अंदर तो पॉल्यूशन इतना है कि उसकी वजह से अगर एक आदमी सिगरेट जो नहीं पीता, वो भी 10 सिगरेट का स्मोक उसके बॉडी में जाता है, वो बेचारे दिन भर वहाँ खड़े रह के चौराहे पे और अपने आप को व्यस्त रखते हुए, तो 8 घंटा ड्यूटी जो देते हैं वो ड्यूटी के जरिए उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, शारीरिक तकलीफ होती है, और एनर्जी भी उतना नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम बहुत होता है, और उसके वजह से कई लोगों की बीमारी भी, बेचारे जो अधिकारी है वो बीमार पड़ के अपने मतलब वो काम अपना सही, अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाते, तो ये बहुत अच्छा मतलब उन्होंने डिसीजन लिया है कि उनको, उनके जो भी अधिकारी है वो उनके हिसाब से उनको कहीं ऑफिशियल काम में उनको व्यस्त रखेंगे, तो ये बहुत अच्छा। पूछिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल मन्नान खान है, मैं एक सामान्य नागरिक हूँ। मैं बाइकला विधानसभा से क्षेत्र में मैं रहने वाला हूँ। और क्या लगता है, अभी जो मुख्यमंत्री जो नाले सफाई के दौरे कर रहे हैं और उन्होंने जो आदेश दिए कि नाले सफाई इस बार मुंबई अगर तुम गए तो अधिकारी जो रहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, कैसा देखते हैं? मैं आज जब से देश आज़ाद हुआ है उस वक्त से लेके आज तक जो मुंबई शहर के अंदर जो भी साफ़ सफाई का काम जो है वो अब एक लेवल से चल रहा था, लेकिन अब जो ये CM साहब ने जो एक नया योजना लेकर आया है कि नाले की सफाई में अगर कोई कोताही होगी तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अभी मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये अधिकारियों की जो माहौल चल रहा है आज मुंबई शहर के अंदर के चारों तरफ देखो तो रोड खोदा हुआ है, फुटपाथ खोदी हुई है, हर काम चालू है अभी इस वक्त चल रहा है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि इस बारिश के अंदर लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है। और इसके अगर अधिकारी के ऊपर ये गाज गिराना कोई जरूरी नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं या टाइम में काम कर रहे हैं वो भी देखना चाहिए, और इसके ऊपर CM साहब ने ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। नहीं नहीं दौरे कर रहे हैं मैडम, सही बात है, साहब का काम अच्छा है, साहब ने काम भी अच्छा करना चाहिए, लेकिन जो दौरा करने से माहौल भी वैसा चेंज होना चाहिए कि अभी जो अभी 15 से 20 दिन या महीने भर जो भी है बारिश आने वाली है, इस बारिश के अंदर अगर जो हिसाब से रोड का काम है, हर जगह का काम है, ये होना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ हम लोगों को उस इलाके में जाने के लिए इतनी तकलीफ हो रही है, बाइकला विधानसभा के अंदर आप देख लीजिए वहाँ पर रोड का ऐसा चारों तरफ से हर रोड के ऊपर खोदाई का काम चालू है, तो उसके तो परेशानी तो बढ़ने वाली है। नाले की सफाई का काम भी समझ लो जो हो रहा है अभी, जो ध्यान है CM साहब का वो बहुत अच्छा है, तकलीफ नहीं आना चाहिए जनता को, यही हमारी अपेक्षा है हिसाब से। दूसरी तरफ देखे जाएंगे तो जो पुलिस अधिकारी 55 साल के, उनको रोड पे काम करने की इजाजत नहीं दी रही, जैसे अधिकारी ने उनको बताया क्योंकि उनको 55 साल है और धूप में उनको परेशानी हो सकती है, इस तरह से उनको आदेश दिए कि उनको ड्यूटी ना लगाए रोड पे, और जो भी है अधिकारी पुलिस अधिकारी उनके लिए 7 फुट टेंट बांधने के लिए जिसकी धूप से संरक्षण हो जाए, इसलिए उन्होंने आदेश दिए, कैसे देखते आप? मैं ये जो CM साहब का आदेश है इससे मुझे मतलब ऐसा लगता है कि जो भी अधिकारी जो 55 साल के जो भी रोड ट्रैफिक में जो काम करते हैं, रोड पर काम करते हैं, उनको एक जगह पे बैठ के काम करने का अगर मौका देंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, ये उम्र के हिसाब से जो एनर्जी होती है वो कम होती है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम फिरोज खान है, मैं बाइकला विधानसभा में हूँ, वहाँ पे यामिनी यशवंत यादव जो है हमारे आमदार है शिंदेगढ़ की, काम हो रहा है वहाँ पर, लेकिन कैसा है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी प्रॉपर स्टेबल होना बाकी है, जैसे कि अभी कुछ साहब के पास जैसे मंत्रिमंडल है और मंत्रिमंडल लोगों को दिया नहीं गया है, साहब खुद ही मंत्रिमंडल साहब के पास है, देवेंद्र सबके पास है, और उसके वजह से काफ़ी चीज़ें मतलब रुकी हुई है काम के लिए, मंत्रिमंडल होता है तो लोगों का काम आसान होता है। अच्छा ठीक है, अभी जो CM नाले सफाई के दौरे कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं
नहीं वेल एंड गुड है, वो तो बारिश के पहले तो होता ही है काम, लेकिन कैसा है कि शिंदे साहब अगर खुद अभी पर्सनल, जैसे अभी इकबाल सिंह चहल साहब को उन्होंने मतलब तत्कालन उनसे मुलाकात हुई और काम के सिलसिले से बात हुई, तो ये काम बहुत अच्छा है क्योंकि सीएम कभी इतना पर्सनल लेके किसी रोड पे आए नहीं है, और ये सीएम साहब अपने जो रोड पे घूमे और इन लोगों से मतलब मशवरा कर रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, और सबसे ज़्यादा आज यही काम तकलीफ़ है नाला सफाई का, क्योंकि हम बहुत करीब है समंदर के और इश्यू बहुत ज़्यादा होता है पानी का, जहाँ पे यहाँ पे स्टोर हो जाता है पानी, जो आदमी को मतलब ट्रैवल के लिए तकलीफ, हर चीज़ के लिए तकलीफ होती है। इसके पहले आपने एसएसपीएम देखे हैं जो नाले सफाई के दौरे? नहीं, इससे पहले तो हमारे उद्धव साहब भी अच्छे कर रहे थे काम, लेकिन अब ये चलो सरकार है मतलब जिनके पास भी रहता है ये पावर है और उनको अपने हिसाब से करना ही पड़ता है। जैसे अभी हमारे पार्टी के, जैसे अभी शिंदे साहब तो हमारी पार्टी के मौजूद सीएम ही हैं, लेकिन और भी सीएम आए के गए, जैसे कोविड के टाइम पे उद्धव साहब को भी मिला था चांस। और ये बारिश का विषय तो ऐसा है कि कोई भी ये पोस्ट पे रहेगा लेकिन रोड पे उतर के करना वो बहुत बड़ी बात है, जैसे अभी जैसे हमारे मौजूदा सीएम साहब कर रहे हैं, और ये चीज़ का कैसा ये काफ़ी उनका वो हो गया मतलब कि ये लोगों के विचार को मतलब सोच समझ के ये चीज़ के लिए उतरे हुए नीचे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी सोच भी है सर की है, क्योंकि ये कैसा है कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं और मतलब अपने पुलिस, मुंबई पुलिस के खास तौर के, इन लोग इतनी अपनी सर्विस दे देते हैं और इनको जब इनका मतलब एक एज होती है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुजफ्फर खंबाटी है। आप कहाँ से? मुंबई से? मैं मुंबई से हूँ। आपको क्या लगता है अभी सीएम जो दो दिन के दौरे कर रहे हैं नाले सफाई के, और इस बार अगर मुंबई तो वो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने वाली, कैसे देखते हैं इस बात को? मैंने सिर्फ वादे ही सुने हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ दिया नहीं। जब भी बारिश आई मैंने मुंबई कर को पानी में डूबते ही देखा है, और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आज तक मलिशा, आज जितने भी वीडियोस भी बने मुंबई स्कर्स के बारे में, मगर आज तक मुंबई कर को कोई फैसिलिटी मिले नहीं, सिर्फ ट्रेन के धक्के और बारिश में अपने घर पर लेट पहुँचते हुए देखा हुआ है। मैम देखो, ये बात तो आप जो बोलते ना ऐसा सीएम वैसा सीएम, मैं ये मानूंगा जब बारिश गिरेगी और हकीकत जो आएंगी ना उसको मैं मानूंगा कि खरा सीएम है कि नहीं है। और भी उन्होंने आदेश दिए जो पुलिस अधिकारी 55 साल के, उनको रोड पे काम करने की, धूप में काम करने की उन्होंने मनाई कर रही है, और जो ही पुलिस वाले अधिकारी उनको साधारण मुद्दे टेंट जो बांधने के उनको निर्देश दिए, कैसा देखते हैं? मैम देखो, पुलिस वाले के वजह से आज हम लोग सब घर में और हमारी फैमिली पूरी हिफाजत से, अगर उन लोग के लिए जो किए हैं, अगर ये वाकई में अच्छा किया तो इट्स वेरी गुड, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि पुलिसकर्मी के वजह से हमने देखा कोविड में बारिश में यही एक रहते और छोटे मोटे कुछ इधर उधर कुछ फिसाड हो जाते, यही पुलिस हमारी मदद करती। आज हमारी माँ बहन रात को जो निकलती ना, यही मुंबई कर पुलिस के लिए जा रहे हैं, ये मापू से ने जो किया है ना मुंबई के लिए, ये कुछ अलग ही है। मैम फिलहाल में तो बातें लग रही है, हकीकत तो मैंने आज तक कुछ देखा नहीं है, अगर कुछ वाकई में अच्छा गया तो हमारे भी फख्र होएगा कि हमारे अच्छा सीएम है।